ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन के महीने में ध्यान रखी जाने वाली कुछ जरूरी बातों के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने कोई शिव साधना से तो कोई उनकी पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर उनसे वरदान मांगता है। कुछ लोग सावन सोमवार विधिवत व्रत रखते हैं तो कुछ मीलों चलकर शिव से उनकी मन्नतें पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। सावन को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। विशेष रूप से सावन के महीने में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाना शुभ और फलदायी होता है। शिव पार्वती हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ जोड़ी मानी जाती है। पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव और पार्वती का मिलन इसी महीने हुआ था, जिसके बाद श्रावण मास का महत्व भक्तों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं अगर इस पूरे महीने या मात्र सावन सोमवार व्रत रखती हैं तो उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना के नियमों की तरह ही शिव पूजन के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन अगर न किया जाए तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों में वे कौन सी ऐसी चीजें बताई गई हैं, जिन्हें सावन के महीने किसी को भी नहीं देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं अनुसार दान देने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए शास्त्रों में भी दान का विशेष महत्व बताया गया है। दान देने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं रहती। लेकिन सावन के महीने में विशेषकर सूर्यास्त के बाद भोलेनाथ से जुड़ी चीजें, रुपए पैसे की उधारी, सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, सफेद वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन के महत्वपूर्ण महीने में अगर आप सूर्यास्त के बाद जब दोनों बेला का मिलन होता है उस समय इन चीजों का दान करते हैं या किसी के मांगने पर दे देते हैं तो आपके घर में धन का अभाव हो सकता है या आपको धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे।